हाय गाइज, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपके गूगल एडसेंस में टैक्स इन्फॉर्मेशन को कैसे अपडेट कर सकते हो। अगर गाइज आपको नहीं पता है तो आपको बता दूं कि आप पर गूगल एडसेंस ने एक नया जो पॉलिसी निकाला है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप पर जो भी अगर गूगल एडसेंस अर्निंग करते हैं उनको दोस्तों पर टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना मैंडेटरी हो गया है। अगर आप दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन को 31 मई से पहले नहीं फिल करते हो तो आपकी दोस्तों पूरी अर्निंग में से यहाँ पर 24% जो एडसेंस खुद रख लेगा, बाकी का दोस्तों आपको पैसा वो आपको ट्रांसफ़र कर देगा। तो यानी कि समझ सकते हो, अगर आप दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन को फिल नहीं करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आपका नुकसान होने वाला है आगे चलकर। इसलिए दोस्तों अगर आपका एडसेंस अप्रूव हो चुका है, आप एडसेंस अर्निंग कर रहे हो, तो आपको दोस्तों टैक्स इन्फॉर्मेशन जो फिल करना है एकदम मैंडेटरी है। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कैसे कैसे यहाँ पर आपको कौन सा प्रोसेस करना है, क्योंकि दोस्तों कहीं पर भी आप थोड़ा सा भी मिस्टेक करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा आगे जाकर दिक्कत होने वाली है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और टैक्स इन्फॉर्मेशन दोस्तों एडसेंस में फिल करने के लिए यहाँ पर आपको अपना गूगल एडसेंस माना होगा। यहाँ पर आपको ऊपर दोस्तों नोटिस हो रहा होगा, ये दोस्तों नोटिस यहाँ पर आपको यही शो कर रहा है कि आपको जल्दी से यहाँ पर टैक्स इन्फॉर्मेशन जो फिल कर देना है। और यहाँ पर ब्लर मैप पर क्लिक करके इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन जो इसकी पढ़ सकते हो। फिलहाल दोस्तों हम क्लिक करते हैं यहाँ पर मैनेज टैक्स इन्फॉर्मेशन पर। यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको उस पेज पर ले जाएगा जहाँ पर आपको टैक्स इन्फॉर्मेशन फिल करना होता है। तो यहाँ पर दोस्तों नीचे फिर से आना है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऐड टैक्स इन्फॉर्मेशन पर। और इसके बाद दोस्तों आपका ईमेल का यहाँ पर एक पासवर्ड पूछा जाएगा ऑथेंटिकेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको पासवर्ड को फिल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों जो वेरीफाई हो जाएगा, देन उसके बाद आपको फॉर्म को फिल करने का ऑप्शन मिलेगा। तो हमने दोस्तों पर जो वेरिफिकेशन हो चुका है हमारा, और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिलता है आपको आपका जो अकाउंट है वो दोस्तों किस टाइप का अकाउंट होता है। हमारा दोस्तों जो अकाउंट है इंडिविजुअल है, इस पर हम क्लिक करेंगे। और तो यहाँ पर दोस्तों आपको पूछ रहा है कि क्या आप US कराने वाले हो, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नो फिलअप का फिल कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और इसके नीचे दोस्तों ऑप्शन मिलता है एक फॉर्म फिल करने के लिए कि आपको किस टाइप का फॉर्म फिल करना है। तो हमें दोस्तों इंडिविजुअल हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पर ऊपर, तो हमें इंडिविजुअल वाला यानी ऊपर वाले को सिलेक्ट करना होगा। अगर दोस्तों यहाँ पर आपने ऊपर जो बिजनेस सेलेक्ट किया होता तो यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे वाला फॉर्म है जो बिजनेस वाला जो सेकेंड वाला ऑप्शन है W8ECI, इसको आपको सिलेक्ट करना होता है। तो इंडिविजुअल के लिए दोस्तों ऊपर वाला है। इसके बाद दोस्तों स्टार्ट W8VEN फॉर्म को फिल करने का यहाँ पर क्लिक करना है। तो इसके बाद दोस्तों वो फॉर्म फिल करने के लिए आ जाएगा और आपको सारे यहाँ पर डिटेल को मेंशन करना होगा। तो सबसे दोस्तों यहाँ पर आपको ऊपर आपका नाम शो होगा, नेम ऑफ इंडिविजुअल, और सेकंड ऑप्शन है दोस्तों डिवीजन नेम। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। अगर दोस्तों कोई बिजनेस सेलेक्ट करता है तो उसके लिए दोस्तों ये ऑप्शन है, जो इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे दोस्तों इसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं करना है, ये आपको ऑप्शनल की तरह पर छोड़ देना है इसको। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रहा है कंट्री ऑफ सिटीजनशिप, तो इस पर क्लिक करना है और इंडिया आपको सिलेक्ट कर लेना है, या फिर आप जिस कंट्री से हो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हम दोस्तों जो इंडिया से हैं तो अपना इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद दोस्तों पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा फॉरेन टिन का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो फिल करना है वो दोस्तों आपका पैन नंबर। और फॉरेन टिन को दोस्तों फिल करने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों पर आपको एड्रेस फिल करना है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है। और आपको जो परमानेंट एड्रेस होगा वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम इसको फिल कर लेते हैं। और तीसरा ऑप्शन मिलता है आपको दोस्तों टैक्स स्टेटस का, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यस पर क्लिक कर देना है। और रेसिडेंसी ऑफ कंट्री यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है। और देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको रेट्स एंड कंडीशंस हो गए, तो यहाँ पर आपको क्लिक करके जो भी आपको मिनिमम होगा सारा उसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर Article 7 और विड्रॉइंग रेट यहाँ पर 0% नीचे वाले ऑप्शन में आना है, इसको आपको क्लिक कर देना है। और फिर इस पर आना है, यहाँ पर आपको Article 12 और 15% जो रिड्यूस रेट आपको सेलेक्ट कर लेना है, फिर से इसको क्लिक करना है। और ये और फिर से इसमें अभी आपको सेम है 15%, और फिर से इसको टिक कर लेना है। और एक बार ऊपर आप देख लीजिए फिर से कि क्या क्या पर मैंने फिल किया है, वही दोस्तों आपको भी फिल करना है। और उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको फॉर्म दिखा देगा किस तरह का आपने फॉर्म को फिलअप किया है। और नेक्स्ट पेज पर दोस्तों आपको अपना डॉक्यूमेंट प्रीव्यू मिलेगा कि किस तरह का दोस्तों यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि फॉर्म फिल किया आपने और कौन कौन सा अपना फॉर्म फिल किया है। इसके बाद दोस्तों पर आपको आई कन्फर्म पर यहाँ पर टिक कर देना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों पांचवें ऑप्शन में आपको सर्टिफिकेशन है, जहाँ पर दोस्तों आपको नीचे फुल लीगल नेम यहाँ पर क्लिक करके आपका लीगल नेम डाल देना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर यस क्लिक कर देना है, यस आई एम द पर्सन लिस्टेड इन द सिग्नेचर सेक्शन एंड आई एम कंप्लीटिंग दिस फॉर्म ऑन माई ओन बिहाफ।
तो यस पर आपको क्लिक कर देना है और देन उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका नेम डाल देना है और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। जहाँ पर आपको पूछ रहा है कि जो भी यहाँ पर एक्टिविटीज या सर्विसेज हो रही हैं ये US में परफॉर्म हो रही है तो यहाँ पर दोस्तों नो सिलेक्ट करना है क्योंकि दोस्तों हम नॉन US रेसिडेंट हैं। और उसके बाद यहाँ पर इसको टिक कर देना है I-35 पर और देन उसके बाद दोस्तों नीचे एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर देखिए स्टेटस चेंज एफिडेविट। तो यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलते हैं जिसमें से दोस्तों पहला ऑप्शन तब के लिए जबकि दोस्तों आपका गूगल एडसेंस नया है यानी कि दोस्तों अब आपने अपने गूगल एडसेंस से एक भी बार पेमेंट रिसीव नहीं किया है तो आप पहले वाले के ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। लेकिन दोस्तों आपका गूगल एडसेंस पुराना है वहाँ पर आप कई बार पहले एक या दो बार या फिर कितने बार भी जो पेमेंट गूगल एडसेंस से रिसीव कर चुके हैं तो आपको यहाँ पर जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला इस पर आपको टिक करना है। तो अभी दोस्तों हमारा जो गूगल एडसेंस अकाउंट नया है और इससे दोस्तों हमने एक भी बार पेमेंट यहाँ पर रिसीव नहीं किया है तो इसलिए हम पहले वाले को सिलेक्ट एंड देन दोस्तों फाइनल सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन शो कर देगा कि आपका जो टैक्स इन्फॉर्मेशन है वो अप्रूव हो चुका है एडसेंस की तरफ से। और इसका दोस्तों एक आपको मेल भी आपके ईमेल पर भेज दिया गया होगा तो आप इन सिंपल से स्टेप्स को दोस्तों फॉलो करके अपने टैक्स इन्फॉर्मेशन को गूगल एडसेंस में फिल कर सकते हो। एंड गाइज अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। तो इस तरह के वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा एंड तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।